इंदौर की ओर से आ रहे अंदर से डबल पार्टीशन कर करीब 50 से अधिक गोवंश से भरे एक कंटेनर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़वाह से दी गई सूचना के आधार पर पुलिस की मदद से अवैध गोवंश पकड़ा। डबल पार्टीशन के पकड़े गए कंटेनर में से पुलिस व बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा ठूस ठूस के मुंह व पैर बंधे करीब 50 गोवंश को बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा गायों को सनावत स्थित गौशाला भेजा गया। कंटेनर में एक गाय मरी हुई पाई गई। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि गोवंश से भरा कंटेनर राजस्थान से महाराष्ट्र जा रहा था, वाहन चालक फरार हो गया है, दो लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों पर गौ संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। खरगोन से अजय तिवारी के साथ प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। कुछ सूचना मिली थी पुलिस को भी, बजरंग दल को भी, कि एक गाड़ी है हरियाणा पासिंग कंटेनर, उसमें जानवरों को बेरहमी से भर के ले जाया जा रहा है। उस गाड़ी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के करीब 50-60 मीटर पहले रोका। पुलिस भी पहुंच गई थी वहां पे और गाड़ी को, उसमें एक ड्राइवर जो था वो कूद के भाग गया था पहले। जब उसने देखा कि कुछ लोग रोकने वाले हैं तो गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर भाग गया उसका। उसका नाम भैयू है ड्राइवर का, कोई मंदसौर ज़िले का रहने वाला। दो लड़के जो उसमें हेल्परी करते हैं वो पकड़ाए हैं। गाड़ी किसी महेंद्र सिंह की है, राजस्थान के, और गाड़ी में पंचनामा बना रहे हैं, जानवरों को उतार रहे हैं यहाँ पर गौशाला में, जानवरों को रखेंगे। आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई, पशु क्रूरता अधिनियम और गौवंश अधिनियम के तहत की जा रही है। गाड़ी राजस्थान के सरवाड़ करके कोई जगह है, वहाँ से बंजारा समाज के लोगों ने जानवर बेचे हैं और भरे हैं, भरवाए हैं। इक्का दुक्का जानवर जिनके पास रहते हैं पकड़ के ला के बेच देते हैं, मेला रहता है वहाँ पे, ऐसा उनका आरोपियों का कहना है। बड़ी समस्या ये है कि सब कीड़े हैं, सब बड़े बड़े बैल हैं, सांड है, इनको उतार कर डॉक्टरों से परीक्षण कराया जा रहा है। यहीं पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। एक कीड़ा अभी मरा हुआ निकला है उसमें से, तो अभी पहले ये इनको सुरक्षित गौशाला में पहुंचा दिया जाए, उसके बाद फिर जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।